तो मौजूद खवातीन और हज़रात, आपको कहते हैं खुश आमदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं फूड स्ट्रीट लाहौर से, और आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं वही मौजू है कि जिस पर गुज़श्ता साल ठीक मार्च के महीने में हर जगह, हर घर, हर गली, हर नुक्कर, हर दफ्तर पर बात हो रही थी, और वो बात थी पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच की, जो कि पिछले साल 30 मार्च को हुआ। उस मैच में तो जीत हुई भारत की, और फिर उसके बाद वो सेमीफाइनल स्टेज थी। फाइनल में भारत ने जाकर श्रीलंका को हरा के वर्ल्ड कप अपने नाम किए और अपने आप को वर्ल्ड चैंपियंस अब वो कहला रहे हैं। लेकिन एक दफा फिर ठीक एक साल के बाद पाकिस्तान और भारत का दोबारा मैच होने जा रहा है, और ये मैच हो रहा है एशिया कप में, जो कि बांग्लादेश में खेला जा रहा है, और कल पाकिस्तान और भारत का ये मैच हो रहा है। और इस मैच से पहले यकीनन सबकी नजरें, जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं उनकी नजरें जमी हुई हैं ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या इस दफा हम उस हार का बदला चुका पाएंगे, क्या इस दफा जीत हम अपने नाम कर पाएंगे, क्या इस दफा पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी झंडा जो है वो लहराएगा, और पाकिस्तानी टीम यकीनन हमारा सर जो है वो फखर से ऊंचा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। भारत के लिए, इंडियन टीम के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहला मैच जो हुआ, यानी कि जो कल मैच हुआ इंडिया और बांग्लादेश का, उसमें बांग्लादेश ने सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़ा शॉक था टूर्नामेंट का कि बांग्लादेश ने इंडिया को हराया, एक ऐसी टीम को जो कि वर्ल्ड चैंपियंस हैं। और बांग्लादेश की टीम वो टीम है कि जिसको तो पहले टेस्ट स्टेटस भी हासिल नहीं था, और उसको टेस्ट स्टेटस पाकिस्तान की बदौलत हासिल हुआ कि जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से मैच हारी, और फिर उसके बाद बांग्लादेश की टीम को टेस्ट स्टेटस मिला। आज के प्रोग्राम में हम इसी मैच के हवाले से और एशिया कप के हवाले से बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चीफ सिलेक्टर और साबिक कोच मोहसिन हसन खान साहब। मोहसिन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ हैं सामिया खान। सामिया खान एस्ट्रो पामिस्ट हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि उनकी प्रेडिक्शन क्या कहती है कल के मैच के हवाले से, कि कल पाकिस्तान की जीत होगी या इंडिया की जीत होगी। एंड आई एम श्योर के सभी सुनने वाले तो यही सुनना चाह रहे होंगे कि कल की जो जीत है वो पाकिस्तान की जीत हो, लेकिन जो असल प्रेडिक्शन है या जो सामिया की नज़र में वो क्या है वो हम सामिया से पूछेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करें, हम आपको एशिया कप में जो अब तक पॉइंट्स टेबल है उसकी क्या सिचुएशन है वो हम आपको बता देते हैं। अब तक तमाम टीम्स ने दो दो मैचेस खेले हैं। सबसे पहले पाकिस्तान टीम ने दो मैचेस खेले हैं, दोनों ही मैचेस जीते हैं, और 9 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल है। पाकिस्तान टीम के 9 पॉइंट्स इस तरह से हैं, वैसे तो पर मैच जीतने वाली टीम को 4 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर बोनस पॉइंट मिले तो फिर इजाफी पॉइंट्स हो जाते हैं। और पाकिस्तान टीम को श्रीलंका के खिलाफ जो मैच खेला था उस मैच में बोनस पॉइंट्स मिले, और इस तरह से पाकिस्तान टीम के 9 पॉइंट्स हैं। इंडियन टीम ने भी दो मैचेस खेले हैं, एक मैच जीते हैं, एक मैच हारे हैं। जो मैच जीते वो श्रीलंका से हारे जीते, और जो मैच हारे वो बांग्लादेश की टीम के खिलाफ हारे, और 4 पॉइंट्स हैं इंडियन टीम के। बांग्लादेश की टीम ने भी दो मैचेस खेले हैं, एक मैच जीते, एक मैच हार गए, और इनके भी 4 पॉइंट्स हैं। श्रीलंकन टीम के दो मैचेस हो चुके हैं और उनके भी 4 पॉइंट्स, उनके कोई पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से जो मैच हुआ श्रीलंका का वो भी श्रीलंकन टीम हार गई। और इसके अलावा जो इंडिया से मैच हुआ, दोनों टफ टीम्स हैं, लेकिन इंडिया से भी जो मैच हुआ श्रीलंका का, एक 300 से ज्यादा का टारगेट चेज करना था, और वो मैच भी श्रीलंकन टीम हार गई। ये तो पॉइंट टेबल की पोजीशन थी। अब दोनों टीम्स, यानी कि पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम का कंपैरिजन किए देते हैं। पाकिस्तान टीम में मिसबाल हक कैप्टन है, अब्दुल रहमान, एजाज चीमा, ये पूरा स्क्वाड है, जो इन्हें कि प्लेइंग 11 में हो। एजाज चीमा, असद शफीक, अजहर अली, हमाद आजम, मोहम्मद हफीज, नासिर जमशेद, सईद अजमल, सरफराज अहमद, शाहिद खान आफरीदी, उमर अकमल, उमर गुल, वहाब रियाज और यूनिस खान, ये पाकिस्तानी टीम है। और इंडियन टीम कप्तान MS धोनी हैं, विराट कोहली हैं, अश्विन हैं, अशोक, गौतम गंभीर ओपन करते हैं, रविंद्र जडेजा, प्रवीण कुमार, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रायना, राहुल शर्मा, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अभी पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी सेंचुरियों की सेंचुरी स्कोर की और एक नया रिकॉर्ड कायम किया है कि जिसको यकीनन तोड़ना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। मनोज तिवारी एंड विनय कुमार, ये है इंडियन लाइनअप आपके सामने। सबसे पहले हमने पॉइंट्स टेबल दिखाया, और फिर उसके बाद दोनों टीम्स का कंपैरिजन, पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम। अब गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मेहमानों में मोहसिन हसन खान साहब से बात करते हैं। मोहसिन साहब, एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। लेकिन आप पाकिस्तान टीम के साथ थे एशिया कप से पहले तक, जो इंग्लिश सीरीज हुई, श्रीलंका के साथ सीरीज हुई, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हुई, आप पाकिस्तान टीम के साथ एज ए कोच भी मौजूद थे। ये बताइए कि पाकिस्तान टीम की एशिया कप में जो अब तक की परफॉर्मेंस है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हाँ, पहले तो हम इस बात पे बाद में आएंगे कि जो मैं कोचिंग में इन्वॉल्व था, अभी तक जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। नो डाउट थोड़ी मुश्किलात हुई थी, बल्कि जब मैं भी टीम लेके एज अ कोच बांग्लादेश जा रहा था तो मैं कह रहा था कि बांग्लादेश को
कोई भी टीम आसान नहीं लेना लेगी और ना लेना चाहिए, इसलिए कि बांग्लादेश एक आसान टीम नहीं है और अभी उसने प्रूफ करके दिखाया है। पाकिस्तान के खिलाफ भी वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कम बैक हुआ है आखिर में, जिसकी वजह से हमारे हाथ से भी मैच निकल सकता था। तो देखा जाए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी, बैलेंस परफॉर्मेंस है, लेकिन इसको हमने बेहतर करना है। इसी के देखिए, आप श्रीलंका के खिलाफ ठीक है हम मैच जीते आराम से, लेकिन बांग्लादेश में हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ गया था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम अभी भी अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल रही, हमें और इससे बेहतर खेलना है। चैम्पियन टीम हमेशा उसकी निशानी होती है कि ग्रेजुअली इम्प्रूव करती जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला है। श्रीलंका से हम जीते, फिर बांग्लादेश से हम जीते, आज इस पोजीशन में है कि हम ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गए फाइनल के लिए। इंडिया से मैच है, इसमें भी अच्छा खेलना पड़ेगा। आसान किसी टीम को नहीं लेना चाहिए, मैं फील करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बड़ी अच्छी बैलेंस टीम है, लेकिन आसान कभी भी किसी टीम को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपने भी कहा मौसी साहब कि पाकिस्तान टीम हमारी क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल्स के लिए, क्या आपने इस वजह से कहा है कि अब जो पॉइंट्स टेबल है वो पोजीशन इतनी ओपन हो चुकी है कि पाकिस्तान टीम के 9 पॉइंट्स हैं 2 मैचेस जीतने के बाद, लेकिन खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान टीम कल का मैच हारती है या दूसरी तरफ बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में बांग्लादेश की टीम ना सिर्फ जीतती है बल्कि बोनस पॉइंट्स भी हासिल करती है, तो हमारा फाइनल में पहुंचने का जिसको हम पहले सर्टन कह रहे थे कि जी सर्टनली हम क्वालिफाई कर चुके हैं, वो डाउट में पड़ जाएगा? हाँ बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की, इसको मैं क्लियर कर दूं। देखिए, अभी हमें बोनस पॉइंट मिला हुआ है जिसकी वजह से हम फील करते हैं कि हम क्वालिफाई कर गए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं होता, उधर श्रीलंका मैच जीत जाती है, तो फिर रन रेट के ऊपर बात आ जाएगी और वहाँ पे भी कोई बोनस पॉइंट्स ले सकता है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट अली के मुश्किलात पैदा होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह ये सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आप लास्ट बॉल तक कुछ नहीं कह सकते। मैं एज अ क्रिकेटर आपको बता रहा हूँ, मैं जज्बाती बात नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान क्लियर, बिल्कुल आराम से क्लीन स्वीप करके जीते एशिया कप, लेकिन टीम्स अच्छी हैं, मेहनत करनी होगी और आगे जाके दो जो मैचेस हैं, कल का हमारा मैच और उसके बाद जो श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है, अगर वहाँ कुछ 19-20 होता है खुदा ना खास्ता तो बिल्कुल रन रेट पे बात आ सकती है, लेकिन सो फार वी आर फीलिंग हैप्पी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों टीम में से ज्यादा अंडर प्रेशर कौन सी टीम होगी, क्या पाकिस्तानी टीम अंडर प्रेशर खेल रही होगी या इंडियन टीम? पाकिस्तान टीम पे प्रेशर इस बात का हो सकता है कि पिछले साल 30 मार्च को जो मैच हुआ था और वही आखिरी मैच था, उसके बाद कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ, वो मैच इंडियन टीम ने जीता और फिर अब वो वर्ल्ड चैंपियंस भी हैं। देखिए वो ठीक है, वो जो गुजर गया वो गुजर गया, मैं उसको फील करता हूँ। जो हमें बात करनी है चाहिए आज की और आने वाले कल की, कल जो था वो गुजर गया, वो भूल जाना चाहिए कौन चैंपियन था कौन नहीं था। आज की तारीख में मैंने जैसे पहले कहा, अली किसी भी टीम को आप लाइटली नहीं ले सकते, और ख़ासतौर पर सब कॉन्टिनेंट की टीमें हैं, अपने सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में खेल रही हैं। नो डाउट बांग्लादेश की कंडीशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट हैं इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका से, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि काफ़ी उसके आदी हैं, सब कुछ समझते हैं। यहाँ पे जो ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अब हम कल का मैच प्रेशर की आपने बात की, प्रेशर नो डाउट इंडिया के ऊपर ज़्यादा होगा बिकॉज उनके लिए डू और डाई वाला मैच है, कल अगर वो हारते हैं तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। हमारे लिए जीतना इसलिए अच्छा होगा कि अगर हम जीत के बाद उसके बाद भी इंडिया अगर क्वालिफाई, सॉरी मैं पहले गलत कह गया था कि इंडिया आउट हो जाएगी, लेकिन अगर हम कल जीतते हैं और इंडिया उसके बाद भी फिर किसी तरह क्वालिफाई कर जाती है या कोई भी टीम सामने, तो उस चीज़ को देखते हुए वी शुड जस्ट प्ले टुमारो टू विन द मैच। हमें नहीं सोचना चाहिए आगे का फाइनल का, हमें कल खेलना चाहिए कि हमें कल ये मैच जीतना है, पूरी मेहनत करनी है तीनों डिपार्टमेंट में, बैटिंग में, बॉलिंग में, खास तौर पे जो आप शायद हो सकता है कि ये कहें कि बड़ा टेढ़ा सा सवाल है और ये सवाल इसकी क्रिकेट से क्या ताल्लुक है, लेकिन अगर हम पिछले 2 साल से देखें या क्रिकेट को पिछले 5-6 साल से देखें कि जो बहुत से मसाइल का सामना है उसकी नजर में, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जीत किसकी होगी, खेल की, खिलाड़ी की या जुआरी की? देखिए, जहाँ तक मैं जब से 3.5-4 महीने से टीम के साथ था और जो पीछे जो हालात हुए, वाकई आप सही कह रहे हैं,
क्रिकेट को काफ़ी बदनामी हुई, लेकिन अल्लाह करे वो, शुक्र है अल्लाह का, वो ख़त्म हुई है। और मैं अब हमेशा अपने क्रिकेटर्स को एक ही बात, अभी टूर पे श्रीलंका, बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हम खेल रहे थे, मैंने कहा देखो बेटा हमें सबसे बड़ा काम ये करना है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड इस पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि हमारी जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई है, थोड़ी सी क्या, काफ़ी हद तक, उस सबको बेहतरी में लाई जाए। और हम क्रिकेटर्स का फ़र्ज़ क्या बनता है, हम अच्छी क्रिकेट खेलें, हम पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतें, तो दुनिया को ये रजिस्टर कराएं, दुनिया को ये बावर कराएं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आई थिंक मैं इसके जवाब में ये कहूँगा, देखिए एक क्रिकेटर चाहे कोच चाहे जो भी क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक है, सबकी कोशिश है कि जो पीछे जो घटिया बातें और कुछ ख़राब बातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम ख़राब किया है, उससे हम दूर हटें। और इसका बेस्ट तरीका है कि आप अच्छी क्रिकेट खेलें, डिसिप्लिन क्रिकेट खेलें। और आपने देखा होगा, अलहमद मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरी उसमें टेन्योर में श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड सीरीज़ बिल्कुल डिसिप्लिन, लड़कों ने कमाल की क्रिकेट खेली और उसके साथ साथ अपने डिसिप्लिन का पूरा ख्याल रखा। तो सारी बात को लपेटते हुए ये कहूंगा, श्रीलंकन सीरीज थी, बांग्लादेश की सीरीज थी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आप चीफ सिलेक्टर थे तो उस वक्त भी जब आपसे पूछा जाता था कि टीम की सिलेक्शन करते हुए क्या मैरिट होगा, किस पर टीम को सिलेक्ट किया जाएगा, तो आपने ये कहा था कि टीम की परफॉर्मेंस, प्लेयर का डिसिप्लिन और साथ में जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम वो भी देखा जाएगा, जिसमें फिटनेस भी शामिल है कि फिटनेस क्या है, अगर फिटनेस लेवल भी है, परफॉर्मेंस भी है, डिसिप्लिन भी है, तो टीम को और टीम में प्लेयर की जगह बनेगी वरना नहीं बनेगी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हमने व्हाइट वॉश किया, टेस्ट मैचेस हम जीते और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चार टेस्ट मैचेस हमने जीते हैं, क्लीन स्वीप है ये टेस्ट मैच सीरीज का, तीन टेस्ट मैचेस हमने जीते हैं, क्लीन स्वीप है सीरीज का, तो अब वनडे सीरीज में भी और टी20 में भी जीत हमारे ही नाम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आखिर हुआ क्या इन्हीं चैंपियंस को, जो चैंपियंस थे टेस्ट क्रिकेट के और एकदम टी20 में और वनडे में बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ साइड दिखाई दी? ये सवाल काफी मुझसे पूछा गया है और कि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस अगेंस्ट श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, सारे सब में टेस्ट, वनडे, टी20 और फिर इंग्लैंड के खिलाफ तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में कि हिस्ट्री क्रिएट की अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलके सब ने, बिकॉज हम फील करते हैं कि चाहे वो प्लेयर्स हों चाहे वो कोचिंग डिपार्टमेंट है, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, हम सब एक बराबर हैं, पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो वनडे के रिजल्ट्स के लिए मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा कि देखिए मुझे बहुत ही अफसोस है कि जिस डगर पर हम चल रहे थे, जिस विनिंग स्ट्रीक पर हम चल रहे थे, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि वनडे क्रिकेट में मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ देख के कि जो हमारे लड़कों की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो किलर इंस्टिंक्ट थी वो सडनली गायब हो गई। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मैं आज तक लाजवाब हूँ उस मामले में और मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ है, लेकिन हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त टीम है और पाकिस्तान के लिए बहुत कामयाबी हासिल करेगी। अच्छा मोहसिन साहब, आपने कहा कि आपको भी कुछ समझ में नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या, टेस्ट मैचेस के चैंपियंस वनडे में जाके टी20 में जाके एकदम से बदली हुई टीम क्यों हो गई? ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि अब टेस्ट मैचेस में स्क्वाड और होता है, वनडेज में और टी20 में और होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वनडेज के लिए और टी20 के लिए किसी के टीम में शामिल होने से टीम की बॉडी लैंग्वेज इफेक्ट हुई, टीम की परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई, डिसिप्लिन टीम का इफेक्ट हुआ? देखिए अली, श्रीलंका के खिलाफ भी वनडे खेले, टी20 खेले, श्रीलंका इस वक्त दुनिया की टॉप की टीम्स में से एक है, उसको हमने क्लीन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हराया। उसके बाद बांग्लादेश, इन बांग्लादेश हमने टी20 भी जीते, वनडे भी जीते, और आप बांग्लादेश, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि बांग्लादेश को हल्का ले, लाइटली ना ले कोई भी टीम, और नहीं ले रहे जो खेल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको पता है कि बांग्लादेश किसी वक्त भी किसी को सरप्राइज दे सकती है, वहाँ पे हम उनसे जीते। उसके बाद हमारे टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में ये भी नहीं कि एक महीने का गैप हो।